हेलो एंड वेलकम इन मास्टर कैम सी एन सी लेट ट्यूटोरियल। मास्टर कैम के इस वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करेंगे एक सी एन सी के अंदर फिर एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ कि किस तरीके से ड्राइंग है हमारी। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस ड्राइंग को सबसे पहले क्रिएट करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम इस ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं मास्टर कैम के अंदर। देन इस ड्राइंग के अंदर जो जो ऑपरेशंस हैं वन बाय वन करते हुए हम सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। एंड देन जो भी हमारे ऑपरेशंस है जो उनका प्रोग्राम बनाए उसे सबसे पहले 2D में वेरीफाई करेंगे। देन उसको 3D में वेरीफाई करना समझेंगे। उसके बाद मास्टर कैम से प्रोग्राम किस तरीके से जनरेट होता है वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसी तरीके से हमने एक लास्ट वीडियो भी क्रिएट किया था जो 4th नंबर वीडियो है। यदि आपने वो वीडियो देख रखा है तो सबसे पहले आप इस ड्राइंग को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लिंक को डाउनलोड करने के बाद इस ड्राइंग की प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप ड्राइंग को प्रॉपर तरीके से नहीं क्रिएट कर पा रहे इस वीडियो को देख के आप इजीली समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो में किस तरीके से इस ड्राइंग को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइंग समझ लेते हैं कि इस ड्राइंग के अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई है। ये हमारी जो ड्राइंग है जिसका मैक्सिमम डायमीटर हमें दे रखा है यहाँ पर 94 mm, और जो थिकनेस है इस वर्क पीस की वो हमें दे रखा है यहाँ पर 37 mm। उसके बाद यहाँ पर जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की वो हमें दे रखी है यहाँ पर 9 mm। देन OD के अंदर जो सेकेंड लेंथ है वो हमें दे रखा है यहाँ पर 12 mm। उसके बाद हमें जो थर्ड पॉइंट की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है इससे आगे 12 mm। देन नीचे की तरफ हम बात करते हैं डायमीटर के अंदर। सो डायमीटर के अंदर भी इसके अंदर अलग अलग टाइप में ग्रूव है। ग्रूव के बीच में यहाँ पर 1 mm के कुछ स्लॉट्स टाइप है, और नीचे की तरफ यहाँ पर आर है 0.5 mm की। यहाँ पर हमें सभी के डायमीटर्स दे रखे हैं 44 mm, 46 mm, 50 mm। इस यदि आपको ये ड्राइंग चाहिए तो आप ड्राइंग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहाँ से आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो आइए आप समझते हैं कि सबसे पहले किस तरीके से इसकी प्रोफाइल मास्टर कैम के अंदर बनाई जा सकती है। इस ड्राइंग को बनाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे वायर फ्रेम टैब के अंदर। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर इसके सेंटर पॉइंट पर पहला मार्क करना है और रेक्टेंगल बना लेना है जितना हमारा मैक्सिमम डायमीटर एंड लेंथ दिया हुआ है। हमें पहले किसी भी पॉइंट पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हम क्लिक करके ले लेते हैं कि जितना हमारा इसकी थिकनेस है। सपोज़ कि अभी इसकी जो थिकनेस है वो हमें दे रखा है यहाँ पर -37 mm। एंड सिमिलरली जो इसकी हाइट है वो हमें दे रखा है 94 mm। तो मास्टर कैम के अंदर जो भी लेथ के अंदर जो हम ड्राइंग बनाते हैं वो सभी हमारा जो जितना डायमीटर होता है उसका हाफ प्रोफाइल एरिया ही बनाने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमें जितना भी इसका डायमीटर दिया होगा इसे 2 से डिवाइड करके देन एंटर पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम एंटर पर क्लिक करते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये हाफ शेप के अंदर एक प्रोफाइल बनती जा रही है। तो सबसे पहले हम जो हमारे लेंथ के अंदर जो सभी डिस्टेंस दे रखी है वहाँ पर हम लाइन क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम जाएंगे फिर से वायर फ्रेम के अंदर मॉडिफाई के अंदर ऑफसेट टैब के पास। ऑफसेट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें इस लाइन को सिलेक्ट करना है, और हमें चूँकि इस तरफ डायमीटर आगे की तरफ इसको सेट करना है तो सबसे पहली जो हमारी लेंथ है वो 9 mm, जैसा आप देख पा रही है जो डिस्टेंस है। देन ओके एंड क्रिएट न्यू। देन इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट लेंथ दे रखा है यहाँ से 26 mm, तो सबसे पहले हम OD के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है हमारी 26 mm, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे 26 mm। तो इस तरीके से हमने यहाँ से यहाँ तक 9 mm एंड यहाँ से यहाँ तक 26 mm की लेंथ ले ली है। अब जो यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर के अंदर डिस्टेंस दे रखी है वो हमें दे रखी है 81 mm। फिर से
नीचे की लाइन को क्लिक करना है एंड जिस तरफ हमें ऑफसेट लेना है 81.0 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमारे सामने एक लाइन क्रिएट ईजिली हो चुकी है। अब हम जाएंगे लाइन कमांड के अंदर, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है, सेकेंड पॉइंट सेलेक्ट करना है एंड देन ओके। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट क्रिएट करके एक ईजिली लाइन क्रिएट कर ली है। इसके बाद हमें जाना है फिर से मॉडिफाई के अंदर, ट्रिम, डिवाइड एंड डिलीट, और जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन्स है ओडी के अंदर एंड सिमिलरली आईडी के अंदर, उन सभी लाइन्स को मिटा देना है। तो कन्फ्यूजन नहीं पालने के लिए हमने पहले जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ओडी के अंदर जो हमारा आउटर का प्रोफाइल था वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम इजीली आईडी के अंदर जो प्रोफाइल है उसे क्रिएट करते हैं। आईडी के अंदर का भी प्रोफाइल करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे मॉडिफाई के अंदर फिर से। मॉडिफाई के अंदर फिर हम ऑफसेट टैब को क्लिक करेंगे, ऑफसेट, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है हमें दे रखा वो 12 mm। देन इससे हमें आगे एक दे रखा है फिर से 12 mm, इससे हमें आगे की तरफ दे रखा है 1 mm के लिए, और इसे पीछे तरफ दे रखा हमें 1 mm के लिए। तो जैसा आप देख पा रहे सभी लाइनें हमारे लिए क्रिएट हो गई है, ये 12 mm, 12 mm, 1 mm एंड 1 mm। देन हम जो भी हमें डायमीटर के अंदर जो वैल्यूज़ दे रखी है अब उस चीज़ को क्रिएट कर लेते हैं। सो मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, डायमीटर में हमें मिनिमम जो डायमीटर दे रखा है 44 mm। फिर से मॉडिफाई के अंदर हम ऑफसेट पर जाएंगे, पॉइंट को क्लिक किया एंड ऊपर की तरफ, फिर 44.0 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा पहली लाइन क्रिएट हो चुकी है। देन नेक्स्ट जो है हमारा 46 mm, 46.0 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट जो हमारा डायमीटर है वो है 50 mm, 50.0 डिवाइडेड बाई 2। एंड इसी तरीके से एक और जो हमारा इस तरफ डायमीटर है वो दे रखा हमें 62 mm। सो इस तरीके से हमने जितनी भी हमें ड्राइंग्स एज पर रिक्वायरमेंट थी वो सभी क्रिएट कर ली है। देन हम मॉडिफाई के अंदर फिर से ट्रिम, डिवाइड एंड डिलीट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद जो हमें नेसेसरी ड्राइंग्स के अंदर, इस ड्राइंग के अंदर जो नेसेसरी नहीं है उन सभी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हमें मात्र ये लास्ट लाइन की ज़रूरत है। देन यहाँ पर इसका जो लेंथ दे रखी है वो हमें मिनिमम लेंथ है जो 44 mm, तो 44 mm की लेंथ को रखेंगे, बाकी हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। देन सिमिलरली यहाँ पर जो लेंथ दे रही है हमें इस तरीके से हम जैसा आप देख पा रहे हैं हमने प्रोफाइल का मोस्टली जो चीज़ें हैं वो क्रिएट कर ली है। अब हमें जो और ड्राइंग्स, इस ड्राइंग के अंदर जो चीज लाइंस की रिक्वायरमेंट नहीं है उन सभी लाइंस को भी डिलीट कर देते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं हमने मोस्टली जो लाइंस हमारी थी डिलीट कर दिए, और यदि आप इस प्रोफाइल को देखें तो उस तरीके से ये प्रोफाइल अब दिखने लग गई है। अब इस प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे हमें रेडियस दे रखी है 0.5 की। सो अब इस रेडियस को किस तरीके से क्रिएट करते हैं आइए समझते हैं। अब जो यहाँ पर रेडियस दे रखी है 1, 2, 3 एंड 4 अर्थात चार अलग अलग पॉइंट्स के अंदर है। अब इस रेडियस में थोड़ा सा यदि आप ड्राॅइंग देखेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, बट डोंट बी कन्फ्यूज। रेडियस को क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे मॉडिफाई के अंदर फ्लिट, फ्लिट के अंदर जो इसमें रेडियस दे रखी है 0.5 की रेडियस है। सबसे पहले हमें इस पॉइंट को क्लिक करना है, देन यहाँ पर रेडियस क्रिएट हो गई।
सिमिलरली इस पॉइंट पे रेडियस क्रिएट हो गई, और जो हमें दो और पॉइंट्स पे जो रेडियस दे रखी है यहाँ पर, और यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे जो भी पॉइंट्स थे सभी जगह हमने रेडियस क्रिएट कर लिए। तो अब हमारा प्लेन बन चुका है, अब हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल एस क्रिएट क्लिक किया और इसे सेव कर लिया ट्यूटोरियल नंबर 5 के नाम से। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इस ड्राइंग को क्रिएट करना। सो ड्राइंग को किस तरीके से बना ली हमने, ड्राइंग बनाने के बाद आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम बनाना। प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें जाना फिर से मशीन टैब के अंदर, लेथ एंड मशीन सिलेक्शन कर लिए। मशीन सिलेक्शन करने के बाद सबसे पहला जो हम काम करते हैं हमारा स्टॉक साइज, अर्थात इसका स्टॉक साइज कितना है वो ले लेते हैं। स्टॉक साइज लेने के लिए हम जाएंगे प्रॉपर्टीज में, प्लस पर क्लिक करेंगे, टूल सेटिंग पर क्लिक करना है। देन हमें यहाँ पर सबसे पहले फीड कैलकुलेशन पर आ करके, जो फीड है हमारी वो टूल के थ्रू कैलकुलेशन होगी, प्रोग्राम नंबर दे देना है एंड दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। स्टॉक सेटिंग प्रॉपर्टीज, स्टॉक सेटअप में आके मेक फ्रॉम टू पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट। अब हमें आ जाना यूज मार्जिन्स, जितना हमें मार्जिन देना है जॉ को सेट कर लेते हैं, यूज स्टॉक ग्रिप ऑन मैक्सिमम लेंथ एंड 5 mm, ओके रिमूव कर देना है, ओके। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारा जो स्टॉक सेटअप था वो कर चुके हैं और साथ ही साथ जॉ सेटिंग भी कर चुके हैं। अब हम अपना प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेसिंग प्रोग्राम के लिए। जैसे ही हम फेस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से विंडो ओपन हो जाता है। हम पिछले जितने भी प्रोग्राम्स बना रहे हैं तो उसमें सभी में फेसिंग ऑपरेशन करते हुए आ रहे हैं। यदि आप इस फेसिंग ऑपरेशन को यदि देखना चाहें डिटेल के साथ तो आप पुराना कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से फेसिंग का प्रोग्राम बनाता हूँ। ओके तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा फेसिंग का प्रोग्राम जनरेट हो चुका है। सो फेसिंग का प्रोग्राम बनाने के बाद जो हम नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे टर्निंग का बनाने के लिए हमें क्लिक करना है रफ पे, देन चेन सिलेक्शन कर लेना स्टार्टिंग पॉइंट टू लास्ट पॉइंट एंड ओके। रफ पैरामीटर में आ जाना है, डेप्थ ऑफ कट 1 mm, यूज स्टॉक फ्रॉम आउटर बाउंड्री ऑफ, अब हमें एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी हम इस तरीके से कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो जितना हमारा डिस्टेंस है उससे आगे की तरफ बढ़ना है। तो इसके लिए हम पैरामीटर में आके एक ऑप्शन रहता है हमारा लीड इन एंड लीड आउट। तो आइए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। लीड इन एंड लीड आउट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाता है एक्सटेंड, कितने mm हमें इसे एक्सटेंड करना है या कितने mm बाहर से आ रहा है। तो लीड इन एंड आउट का मतलब कि यहाँ से जो लेंथ आगे की तरफ एक्सटेंड करना है उस पर्पज के लिए हम लीड आउट का यूज़ करते हैं, देन ओके। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लीड आउट के लिए भी प्रोग्राम बना लिया। तो नेक्स्ट इसके बाद हम फिनिशिंग का प्रोग्राम बनाएंगे, फिनिश प्रीवियस चैन ओके। फिनिशिंग के लिए हम जो है दूसरा टूल एज पर ड्राइंग के या दूसरा टूल ले लेते हैं, और कमेंट में लिख देते हैं हमारा फिनिश
ओडी रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ पासिस 2 एंड ओके। इस तरीके से हमारा फिनिशिंग का प्रोग्राम भी बन चुका है। अब हम बात करते हैं ड्रिल के लिए। सो जैसे ही हम ड्रिल पर क्लिक करेंगे, टूल लेना है, फीड, स्पेंडल स्पीड और यहाँ पर हमें लिख देते हैं सेंटर ड्रिल। देन रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस सेलेक्ट डू ओके। अब हम बात करते हैं ड्रिल के पैरामीटर्स के बारे में। सो ड्रिल के पैरामीटर के अंदर हमें यहाँ पर डेप्थ दे देना ड्रिल में, सेंटर ड्रिल के लिए -5 हमें, किसी भी और चीज़ को छेड़ना नहीं है। देन ओके। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेंटर ड्रिल का मार्क आ चुका है। देन हमें फिर से ड्रिल पर क्लिक करना है और हमें कोई भी एक ड्रिल ले लेना है। इसका जैसा हम जानते हैं कि आईडी मैक्सिमम 44 mm तक है, तो हम 40 mm तक कोई भी ड्रिल ले सकते हैं। हम यहाँ पर एक अपना ड्रिल ले लेते हैं 40 mm का। देन यहाँ पर लिख देते हैं 40 mm ड्रिल। देन सिमिलरली रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड कर देते हैं। ड्रिल के लिए हम पीछे की तरफ आते हैं, तो ओनली जेड के अंदर ही पीछे की तरफ पॉइंट वैल्यू लिखेंगे। देन यहाँ पर हम डेप्थ पर क्लिक करेंगे और हमारा जितना इसका वर्कपीस की लेंथ है उस पर क्लिक करेंगे तो डेप्थ अपने आप ले लेगा। अब हम चाहते हैं कि जितना हमारा वर्कपीस थ्रो होल हो, तो उस पर्पज़ के लिए ड्रिल टू कंपनसेशन पर क्लिक करेंगे और एक स्पेसिफिक लेंथ जो है 5 mm, अर्थात हमारा जितना ड्रिल है 37 में 5 mm और ऐड हो जाएगा तो उतना आगे जाएगा। देन हम पिक ड्रिल पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट पिक वैल्यू, एंड देन ओके पर क्लिक करेंगे। तो अब हमारा ड्रिलिंग का प्रोग्राम भी बन चुका है। अब हम बात कर रहे हैं आईडी के प्रोग्राम के लिए। सो आईडी में किस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं। आईडी में प्रोग्राम बनाने के लिए फिर से हमें जाना है रफ, चैन सेलेक्शन कर लेना स्टार्टिंग पॉइंट टू लास्ट पॉइंट एंड ओके। कोई भी एक बोरिंग का टूल ले लेते हैं। फीड दे देंगे, स्पेंडल स्पीड, कमेंट में हमने दे दिया बोरिंग रफ, रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड कर देंगे। देन हम आ जाते हैं बोरिंग के लिए रफ में। जितना हमारा डेप्थ ऑफ कट है सभी वो सेम लगभग पैरामीटर रहेंगे। यूज स्टॉप फ्रॉम आउटर बाउंड्री एंड देन ओके। सो इस तरीके से हमारा रफ बोरिंग का प्रोग्राम बन चुका है। अब हमें रफ बोरिंग में थोड़ा सा चेंजेज करना है। वो चीज़ें हैं कि जो जेड के अंदर है स्टॉक हमें नहीं रखना है और साथ ही साथ लीड इन एंड लीड आउट में हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं 3 mm ताकि कट ऑफ करते समय इजीली कट ऑफ हो सके। अब हम बात करते हैं आईडी ग्रूविंग के प्रोग्राम के लिए, या उससे पहले हम आईडी के अंदर फिनिशिंग का प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रीवियस चैन ओके। देन हम यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट को क्लिक कर देते हैं। देन ओके। देन हम फिर से फिनिश टर्निंग के लिए जाएंगे, तो वो सेम टू सेम जैसा फिनिश टर्निंग के सभी पैरामीटर्स रहते हैं। देन ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम आ जाते हैं आईडी ग्रूविंग के लिए। ग्रूविंग पर क्लिक करेंगे, मल्टी चैन सेलेक्शन करेंगे ओके। देन स्टार्टिंग पॉइंट, यदि इस तरीके से गलत सेलेक्शन हो जाए
तो आप एरो का डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। देन सेकेंड, देन ओके पर क्लिक करेंगे। आईडी ग्रुविंग के लिए हमारे पास जो टूल है वो सील ले लेंगे, फिर डेप्थ ऑफ कट वगैरह दे देंगे और यहाँ पर कमेंट में लिख देंगे रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड कर देंगे। आईडी ग्रुविंग में यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, यूज स्टॉक फॉर आउटर बाउंड्री अर्थात एक्सटर्नल बाउंड्री से स्टॉक को काउंट करेगा, इसे हटा देना है। स्मूथ ग्रुव फिनिश पैरामीटर, फिनिशिंग के अंदर हमें ओवरलैप डिस्टेंस दे देनी है। लीड इन लीड आउट के अंदर जाना है, टेंजेंट सेकेंड पास लीड इन टेंजेंट ओके, देन ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इन सब पैरामीटर्स पर क्लिक करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली जो टोटल प्रोग्राम है वो जनरेट हो चुका है। तो आइए समझते हैं, एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम बनने के बाद, चलने के बाद कैसा दिख रहा है या कैसा लगेगा। तो सबसे पहले हम 2D के अंदर वेरीफाई कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। 2D में वेरीफाई करने के लिए सभी प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे, ब्लॉक इस पर क्लिक करेंगे, बैक प्लॉट पर, देन प्ले। सबसे पहले फेसिंग, देन जैसा आप देख पा रहे हैं टर्निंग ऑपरेशन, फिनिश टर्निंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग सेंटर ड्रिल सॉरी ड्रिल, बोरिंग का ऑपरेशन रफ बोरिंग, फिनिश बोरिंग, आईडी के अंदर ग्रूव। तो इस तरीके से सभी ऑपरेशन हमारे बन गए। अब इसी प्रोफाइल को हम 3D के अंदर वेरीफाई करके देख लेते हैं कि 3D के अंदर किस तरीके से बनेगा, चलने के बाद किस तरीके से दिखेगा। 3D में प्रोग्राम देखने के लिए सभी वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करने पर थोड़ा सा समय लेगा क्योंकि एक नया विंडो अल्टीमेटली ओपन होता है। अल्टीमेट ये चीज़ डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसिंग सिस्टम किस तरीके से है। विंडो ओपन हो चुका है, देन ओके पर क्लिक करेंगे। इसके जितने भी सभी ऑप्शंस हैं, यदि इस चीज़ का आप वीडियो देखना चाहें तो आपको चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के आप मास्टर कैम फॉर बिगनर्स में जाएंगे तो इस चीज़ के सभी का आपको सभी कमांड्स के बारे में डिटेल में आपको वहाँ पर वीडियो इसका मिल जाएगा। देन हमें क्लिक करना है प्ले पर। यहाँ से हम थोड़ा सी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। वेरीफाई के अंदर जाके हम कलर लूप पर क्लिक करेंगे ताकि सभी ऑपरेशंस के लिए अलग अलग कलर आए, देन प्ले पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्ले पर क्लिक करते हैं तो हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। फेसिंग, रफ टर्निंग, रफ टर्निंग के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा फिनिशिंग टर्निंग, सेंटर ड्रिल, देन 40 mm का क्विक ड्रिलिंग। यदि हमें अंदर की तरफ कुछ भी देखना है तो व्यू के अंदर जा करके हम या वेरीफाई के अंदर आके सेक्शनिंग करके देख सकते हैं। नाउ बोरिंग ऑपरेशन इज रनिंग, देन लास्ट एंड फाइनल ग्रूविंग का। तो इस तरीके से हमने सभी जितने भी हमारे प्रोग्राम थे सभी प्रोग्राम बना लिए। सो मास्टर कैम के इस तरीके से आप इजीली कोई भी ऑपरेशन को क्रिएट कर सकते हैं। सो आइए अब हम बात करते हैं किस तरीके से हम कोई भी प्रोग्राम बनाने के बाद जनरेट कर सकते हैं। टॉप पे क्लिक करेंगे, जनरेट करने के लिए हम क्लिक करेंगे पोस्ट सेलेक्टेड ऑपरेशंस पर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से एक विंडो इंटरफेस ओपन होता है, ओके पर क्लिक करेंगे।
ओके पर क्लिक करने पर यहाँ हमारे पास ऑप्शन देता है कि आपको इसे कहाँ पर सेव करना है या यहाँ पर नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दे देते हैं 05 प्रोग्राम, देन सेव। सेव पर क्लिक करने पर हमारे सामने एक नया विंडो इंटरफेस ओपन हो जाता है जो कि प्रोग्राम के कोड एक्सपर्ट करके आता है, जो कि हमारे प्रोफाइल में से कोड जनरेट करता है। कोड एक्सपर्ट विंडो थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लेता है क्योंकि इट्स क्रिटिकल मैन, देखने वाला इसको जब मैं भूल जाऊंगा तो खुद देखूंगा। यदि कोई भी बंदा वीडियो यहां तक देख ले तो कमेंट जरूर करे बस। तो प्रोग्राम बनाने के बाद हमें इसमें कुछ चीजें डिलीट भी करनी होती है प्रोग्राम चलाने से पहले, क्योंकि हम इस कोई भी प्रोग्राम बनाने के बाद उसे मशीन पर चलाने से पहले इस तरीके से हमारा प्रोग्राम दिखाई देता है। तो अलग अलग जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन है हमारा फेसिंग का, तो यहाँ पर एक नंबर टू लेकर के, देन सेकंड वन जो ऑपरेशन है ये फेसिंग का ऑपरेशन, सेकंड वन इसी में साथ में ऑपरेशन है रफ फेसिंग, फेसिंग के बाद जो सेकंड है फिनिश ओडी का ऑपरेशन जो सेकंड टूल यूज़ करके हम बना रहे हैं। फिनिश ओडी के बाद है हमारा सेंटर ड्रिल का ऑपरेशन, सेंटर ड्रिल के बाद हमारा 40 mm जो ड्रिल है उसका ऑपरेशन, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन है बोरिंग रफ बोरिंग का ऑपरेशन, देन फिनिश आईडी का ऑपरेशन अर्थात फिनिश बोरिंग, एंड लास्ट एंड फाइनल आईडी ग्रूविंग का ऑपरेशन। तो इस तरीके से हम सभी ऑपरेशंस को क्रिएट कर सकते हैं मास्टर कैम के अंदर इजीली। तो मास्टर कैम के अंदर प्रोग्राम बनाना काफ़ी इजी होता है एंड आप इस प्रोग्राम को इजीली मशीन पर चला भी सकते हैं। मशीन पर चलाने से पहले आपको इस प्रोग्राम के अंदर कुछ एडिटिंग करना पड़ेगा, वो आप एज पर रिक्वायरमेंट इजीली कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मेरे को मालूम कोई नहीं देखने वाला भाई।